सुजानपुर के पूर्व विधायक व भाजपा नेता राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए प्रदेश पर आर्थिक बोझ डालने के आरोप लगाए हैं। सुजानपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चंडीगढ़ दौरे के दौरान हिमाचल भवन के बजाय भव्य होटलों में रुकना दुर्भाग्यपूर्ण है। राणा ने मुख्यमंत्री पर लोगों की सुविधाएं छीनने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी, आप चंडीगढ़ जब जाते हैं तो क्या कारण है, क्या मजबूरियां हैं कि आप चंडीगढ़ में जाके हिमाचल स्वीट में, उसमें भवन में ना रुककर आप हयात में रुकते हैं, आप फाइव स्टार्स में रुकते हैं, और जब रुकते हैं तो सारी सिक्योरिटी को दाएं बाएं कर दिया जाता है। कौन अधिकारी हैं जो आपके साथ कमरे लेके रहते हैं, कौन आपसे मित्र हैं जो वहां फाइव स्टार में रुकते हैं, और कौन लोग हैं ऐसे जो आपने पाल के रखे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक और मंत्री उनके संपर्क में हैं और वे कांग्रेस में रहकर घुटन महसूस कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कि, और मंत्री, विधायक ही नहीं मंत्री भी, जो कि वहां पर घुटन महसूस कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे ये हिमाचल प्रदेश में भी ये जो सरकार है, इस तरीके से मैंने कहा कि भ्रष्टाचार में लबालब भर चुकी है, और कुछ लोगों को छोड़कर, अपने मित्रों, कुछ खास मित्रों को छोड़कर, बाकी के विधायक हों चाहे मंत्री हों, वो ह्यूमिलेशन फील कर रहे हैं और उनके काम नहीं हो रहे हैं। ऐसा हमारे लोग संपर्क में भी कई लोग हैं जो संपर्क करके, फोन करके हमारे साथ तालमेल रखते हैं। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें सामने आने वाली हैं।